वेलकम बैक दोस्तों, गुजराती चेस जोन में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको डेनिस गैम्बिट की बहुत सारी ट्रैप्स दिखा दी। ओपनिंग ट्रैप्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आज शुरू होते हैं स्कॉच गैम्बिट। स्कॉच गैम्बिट में बहुत सारे ट्रैप्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपका स्कॉच गैम्बिट एकदम परफेक्ट हो जाए। व्हाइट और ब्लैक दोनों से आप तैयार हो सके, इसीलिए सभी ट्रैप्स आप लिख के प्रिपेयर कर सकते हो। शुरू करते हैं यहाँ पे स्कॉच गैम्बिट। e4, e5, नाइट f3, नाइट c6, देन d4। अब ये है स्कॉच गैम्बिट के प्रॉपर मूव। यहाँ पे मोस्टली ब्लैक को ये पॉन मारना होता है, पॉन टेक्स। और यहाँ पे दो वेरिएशन है, नाइट टेक्स d4 और बिशप c4। ज़्यादातर लोग बिशप c4 प्रीफर करते हैं क्योंकि अटैकिंग लाइन है। बिशप c4 में पहली ट्रैप देखते हैं, नाइट a5। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क वाला मूव है, नाइट से बिशप पे अटैक। लेकिन यहाँ आपको कर देना है बिशप सेक्रीफाइस। आफ्टर किंग टेक्स f7, नाइट e5 चेक, किंग गोज e6 और यहाँ पे क्वीन टेक्स d4। दोस्तों क्वीन किंग e6 ही क्यों, मान लो कि किंग e8 जाता है तो आप क्वीन h5 चेक देके नाइट इंटू g6 h5, मान लो कि यहाँ पे g6 देन सिंपल नाइट टेक्स g6 और अगर ये मारता है तो आपको रुक मिल रहा है और ये अटैक आपके हाथ में है। तो यहाँ पे ब्लैक ट्राई करेगा कि ऐसा कुछ हो नहीं, इसलिए किंग e6 सेंट्रलाइज किंग क्वीन इंटू d4। अब यहाँ पे देखो ये नाइट हैंगिंग है। अब मोस्ट प्लेयर नाइट c6 ये गलती जरूर करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो पूरा वाइट का ग्राफ ऊपर हो गया है, फोर्स चेकमेट आ रही है। पहले मूव होगा क्वीन d5 चेक, किंग f6, क्वीन f7 चेक सेक्रीफाइस, उसके बाद बिशप f4 चेक, किंग टेक्स पॉन, नाइट c3 चेक। अब किंग के पास ओनली ऑप्शन है किंग d4 और क्वीन d5 चेकमेट। तो ये थी पहली ट्रैप वो स्कॉच गैम्बिट में। चलिए अब देखते हैं ट्रैप नंबर 2। e4 e5 nf3 nc6 d4 टेक्स बिशप c4। यहाँ पे दूसरा जो ब्लैक के लिए चॉइस है बिशप c5। बिशप c5 में यहाँ आपको खेलना है नाइट g5, f7 पे अटैक। ब्लैक इसे डिफेंस कर सकता है नाइट h6 से। अब नेक्स्ट मूव होगा क्वीन h6। अब देखो यहाँ पे 3 अटैक हो गए और g6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नाइट हैंगिंग है। तो एक ऑप्शन है ब्लैक नाइट e5 करके काउंटर अटैक विथ डिफेंस, ये मूव करता है। तो यहाँ आप जबरदस्त मूव कर सकते हो नाइट e6, सेक्रीफाइस ऑफ नाइट, पॉन टेक्स नहीं पॉसिबल क्योंकि पिनिंग है, क्वीन पे अटैक है इसलिए d into e6 जरूरी है। यहाँ आपको करना है क्वीन टेक्स e5। अब देखो मल्टीपर्पज अटैक है यहाँ पे क्वीन g7, क्वीन टेक्स c5। अब ऑप्शन ब्लैक के लिए फोर्स जो है बिशप f8। अगर बिशप f8 जाता है तो यहाँ पे आपको बिशप h6 और यह पॉन टेक्स बिशप में क्वीन टेक्स रुक। तो ये दूसरी ट्रैप है बिशप c5 में बहुत ही अर्ली। जो ब्लैक देखो कोई भी ट्रैप आपको समझनी है शुरुआत में मिस्टेक्स ढूंढने हैं। अगर आपको सारे ट्रैप्स आते हैं तो ओपनिंग में ही आप अपोनेंट को पकड़ लेते हो, ओपनिंग में ही उसे आप माइनस कर सकते हो। चलिए ट्रैप नंबर 3। ट्रैप नंबर 3 जिसमें आपको पीस मिल रहा है, बिशप पे ही लाइन है e4 e5। यहाँ पे नॉर्मल मूव बिशप c4 बिशप c5 इसी लाइन में ट्रैप है जो थर्ड नंबर। यहाँ व्हाइट से आप सिंपल कैसल भी कर सकते हो। अब देखो नाइट f6 में e5 की थ्रेट है तो यहाँ पे नाइट g7 कई लोग खेलते हैं, यहाँ आपको खेलना है नाइट g5। अब देखो f7 पे अटैक है, अगर ब्लैक यहाँ पे d5 कर रहा है तो यहाँ पॉन टेक्स d5 नाइट e5। अब देखो यहाँ बिशप पे अटैक है लेकिन ये नाइट e5 थोड़ी सी वीक मूव है क्योंकि दो मूव के बाद आपको पता चलेगा यहाँ आपको बिशप b3 करना है h6 और यहाँ आपको करना है नाइट e4 बिशप पे अटैक। अब बिशप b6 जाएगा
और यहाँ आपको करना है h3 एक वेटिंग मूव, नाइट d5। ये आप एक वेटिंग मूव इसलिए कर रहे हो कि बिशप से क्वीन पे अटैक नहीं हो, नाइट g4 नहीं आए। नाइट d5 ये गलत मूव है। यहाँ पे सिंपल आपको पीस मिल रहा है कैसे, तो क्वीन टू h5 और डबल अटैक है, इस नाइट पे भी है और इस नाइट पे भी एक्स्ट्रा अटैक है। अगर ये नाइट मूव करता है तो आपको क्वीन टेक्स नाइट मिल रहा है पीस, और अगर क्वीन से या इसे सपोर्ट कर रहा है मान लो कि, तो फिर बिशप टेक्स ये नाइट मिल रहा है। तो ऐसी पोजीशन में आप कंप्लीटली पीस अप हो जाते हो। तो ये थी थर्ड ट्रैप। चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं। चलिए ये वाली ट्रैप स्कॉच गैम्बिट के अगेंस्ट, मतलब ब्लैक्स की ओर से है। ब्लैक प्लेयर ऐसा कर सकता है, बिशप ही लाइन है, हमने जो आगे की लाइन खेली वो ही है, bc4 bc5 वाली। यहाँ पे d6, यहाँ पे आपको बेस्ट चॉइस है d6। एक ये ट्रैप आप ब्लैक की ओर से कर सकते हो, नाइट g5 अगर वाइट अटैक कर रहा है तो यहाँ पे सिंपल नाइट e5 काउंटर अटैक बिशप पे और नाइट पे, मतलब f7 पे सपोर्ट भी हो रहा है, बिशप b3 जाएगा। यहाँ आपको खेलना है h6 क्वीन h4, तो यहाँ क्वीन f6 से सपोर्ट कर दो f4। अब आपके नाइट पे प्रेशर आया है, यहाँ पे आपको काउंटर अटैक करना है d3 डिस्कवर चेक, किंग h1 और उसके बाद g6। अब क्वीन पे अटैक है तो क्वीन d1 ओनली ऑप्शन है अच्छा, और यहाँ पे आपको करना है पॉन टेक्स नाइट। अगर वाइट ने पॉन टेक्स नाइट लिया तो यहाँ पे कुछ मूव्स में चेकमेट है, रुक इनटू एस्क्रू सैक्रिफाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे किंग टेक्स देन क्वीन चेक, किंग g3 क्वीन चेक और चेकमेट। तो ये थी ब्लैक की ओर से ट्रैप। आप ऐसा भी खेल सकते हो ब्लैक की तरफ से, तो ये सारे मूव्स आपको रेडी करने हैं। अगर आप वाइट से खेलना चाहते हो स्कॉच गैम्बिट तो वाइट के सारे ट्रैप्स देख लो। अगर आप ब्लैक से स्कॉच गैम्बिट के सामने स्कॉच गैम्बिट प्लेयर को हराना चाहते हो तो जितनी भी ब्लैक वाली ट्रैप है वो आप अलग कर दीजिए, अपनी बुक में सारे मूव्स लिख लीजिए और ऐसा ट्राई करके आप गेम में इक्वल या प्लस हो सकते हो। स्कॉच गैम्बिट में और भी बहुत सारी ट्रैप्स है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। चलिए अब कुछ मूव्स में चेंजिंग करते हैं। स्कॉच गैम्बिट में bc4 bc5 लाइन देख ली, e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 d4 e takes d4। अब यहाँ पे व्हाइट नाइट टेक्स d4 करके भी खेल सकता है। नाइट d4 में ब्लैक ng e7, यहाँ पे आपको खेलना है नाइट c3 g6। कई बार ब्लैक g6 करके भी g7 खेलता है। यहाँ पे आपको करना है बिशप टू g5, बिशप g7, नाइट d5। अब ये एक सरप्राइज मूव है, बिशप टेक्स d4, ये एक ब्लंडर मूव। यहाँ पे क्वीन टेक्स d4 आफ्टर नाइट टेक्स d4 और नाइट f6 चेक, किंग g f8 और बिशप चेक में जाए। अच्छा, क्वीन टेक्स d4 में मान लो कि अगर ब्लैक ने एक्सेप्ट नहीं किया और कैसलिंग कर लिया इस मूव में, तो कैसलिंग के रिप्लाई में नाइट f6 चेक, किंग g7 या फिर किंग h8, समझ में यहाँ पे डबल चेक नहीं आया इसलिए। तो यहाँ पे आपको खेलना है नाइट g4 डिस्कवर चेक, नाइट d4, नाइट इनटू d4, ये क्वीन का सेकंड, और मेट इनटू मूव्स बिशप f6, किंग g8, नाइट h6 मेट। तो ये थी ट्रैप नंबर 5। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ट्रैप्स आपको काफी है, 23
स्क्वॉच गैम्बिट में बहुत सारी ट्रैप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बहुत सारी ट्रैप्स स्क्वॉच गैम्बिट में आपको दिखाऊंगा। कंटिन्यू स्क्वॉच गैम्बिट के सारे ट्रैप्स आप देख लीजिए, अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए हर एक मूव बाय मूव। और आपको अलग करना है, मतलब वाइट से अगर खेलना चाहते हो तो वाइट की तरफ से जो जो ट्रैप्स है वो सारी ट्रैप्स आप देखिए, और ब्लैक से अगर आप गेम खेलना चाहते हो अगेंस्ट स्क्वॉच गैम्बिट तो ब्लैक वाली ट्रैप्स देख लीजिए। इससे बहुत फायदा होगा, खेलने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप सारे ट्रैप्स जानते हो इसलिए किसी ट्रैप्स में फंसोगे नहीं। ये भी आपको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। जल्द ही मिलेंगे और भी स्क्वॉच गैम्बिट की ट्रैप्स लेके मैं आऊंगा। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।